वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो आज हमें रोमन गिनती बताएंगे। रोमन गिनती, रोमन संख्या, नो रोमन नंबर्स कैसे लिखा जाता है एकदम आसान तरीके से। अभी वैसे भी आप पढ़े होंगे तो बहुत आराम से सीखे भी होंगे, अगर नहीं सीखे हैं तो आज यहाँ सीख लेंगे। अगर सीखे हैं तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लीजिए क्या आपकी वही ट्रिक हम लगा रहे हैं, वही जो भी आप पढ़े हुए हैं, और उससे भी आसान बताने की कोशिश करेंगे जिससे आप रोमन अंकों को लिख लेंगे। बस थोड़ा सा एक कोड है, इस कोड को आप याद कर लीजिए, आप कोई भी रोमन गिनती है उसको लिख सकते हैं, भूलेंगे नहीं कभी भी। बस इस रूल को फॉलो कर लीजिएगा, ये कोड याद कर लीजिएगा, 100% आप रोमन गिनती लिख लेंगे। चाहे आपका मिलियन में आए, बिलियन में आए, कुछ भी आए, इससे मतलब नहीं है। चाहे थाउजेंड में आए, चाहे जितनी बड़ी गिनती है, चाहे जितनी छोटी आए, इससे कोई मतलब नहीं, आप रोमन अंक बना के जाएंगे। बाकी कोई भी गणित की ट्रिकी वीडियो चाहते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक में है, वहां पर आपको जाइए। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको सारे सब्जेक्ट प्ले लिस्ट मिलेगी, 12th तक की सारे सब्जेक्ट प्ले लिस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन की है, जो ट्रिक से जोड़ घटाने गुणा भाग जो भी होते हैं, भिन्नों का, रूट का, दशमलव का, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उसको भी हमने बताया हुआ है टोटल, और इंग्लिश की ग्रामर खत्म कर चुके हैं, और इंग्लिश को स्पेलिंग बनाना वो भी वीडियो हम बनाते हैं। यहाँ पर सारी चीजें मिलेंगी, आप चैनल की डिस्क्रिप्शन चेक करिए, टेलीग्राम चैनल के लिंक है, वहां पर हमसे चैट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस यूट्यूब चैनल। यहाँ पर रूल है आपका सामने दिखाई दे रहा होगा, इस रूल को आपको याद करना है। अगर आप याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद करते तब भी कोई बात नहीं, आपको आ जाएगा। लेकिन आप अभी जब बनाने चलेंगे ना तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि हमें याद कर लें, क्योंकि ये बहुत काम आएगा। ठीक है, ये आपको बहुत काम आएगा, अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए, जैसे कि आपका यहाँ पर देखिए आई है एक, और उसके बाद बी है, उसके बाद एक्स है, और उसके बाद एल है, उसके बाद सी है, उसके बाद डी है, और एम है। ठीक, तो यहाँ पर आई है तो इसको हम एक मानेंगे, बी को आप 5 मानेंगे, और एक्स को आप 10 मानेंगे, और एल को आप 50 मानेंगे, और सी को आप 100 मानेंगे यानी 100, डी को आपको 500 मानेंगे यानी कि 5, और इसको 1000 मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको हम इतने को एक कैटेगरी में रखेंगे, और इसको आपको एक कैटेगरी में रखेंगे, इसको हम अकेले कैटेगरी में रखते हैं। तो कैसे इसको याद करना, देखिए याद कर लेंगे, ये है आईवीएक्स। आईवीएक्स क्या है? आईवीएक्स, ठीक है, आईवीएक्स याद हो जाएगा आपको, वैसे याद करेंगे तो आईवीएक्स की तरीके से याद कर लेना है इसको, आईवीएक्स याद हो जाता है। ठीक है, आईवीएक्स 1 5 10, देखिए एक में 5 यानी आई को आप वो एक बोलेंगे, आई तो ऐसे भी 1 की तरह लग रहा है, देखिए कैसे याद होगा, आई देखिए 1 की तरह ही लग रहा है, तो आई को आपको 1 बोल सकते हैं। वी, वी कैसे याद करेंगे, वी 5 कैसे होगा, 5 में देखिए वी आता है, 5 में वी आता है तो वी का आपका 5 हो गया। उसके बाद एक्स में 10 होता है, एक्स का आपका 10 होता है, इसको आप याद करने की कोशिश करिए, एक्स का 10 होता है। और यहाँ पर देखिए एल सी डी कैसे इसको कोड कर, आईवीएक्स एल सी डी एम, आईवीएक्स एल सी डी एम, आईवीएक्स एल सी डी एम, तो एल सी डी किसको दे दिया, माँ को दे दिया यानी एम को दे दिया। आईवीएक्स मैंने, बी एक्स मैंने, मैंने एल सी डी दे दिया एम को, तो एल सी डी याद कर लेना, एल सी डी से एल आपका हो गया 100, वो 50, और सी का हो गया, सी का तो 100 हो गया, सी का आपका 100 यानी कि 100, और डी का आपका 500, ठीक है 500, और एम का हो गया 1000। अब इसको कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। इसका रूल ये है कि अगर इसमें से कोई गिनती मतलब कोई भी इसमें का डिजिट आपका अगर आगे आता है, छोटी छोटी आगे आएगा तो माइनस होगा, और बड़ी आगे आएगा तो प्लस होगा। छोटी बड़ी समझ सकते हैं, यानी आई अगर बी, आई छोटी बड़ी कौन है, बड़ी बी बड़ी है आई से, और बी से बड़ी है एक्स, और एक्स से बड़ी है एल, एल इस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे, यानी इधर जितने ही जाएंगे आप बढ़ते हुए जाएंगे तो छोटी बड़ी पता चलेगा कौन किससे छोटी है कौन बड़ी है, बनाने चलते हैं। ठीक है, और दूसरा रूल है कि 3 बार से ज्यादा दोहराएंगे नहीं, कोई भी अगर हम इस कैरेक्टर यूज करेंगे इस रोमन में से तो हमें 3 बार से अधिक बार लिखना नहीं है, 3 बार से अधिक बार नहीं लिखना है। ठीक है, हमें अगर कोई चीज कम करना है तो हम कम कर रहे हैं तो आगे उसको लिख देंगे तो घट जाएगा, और आगे लिख देंगे उसके बाद लिख देंगे बड़ी वाली तो वो आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम एक एक के लिए आपका जैसे एक है, ठीक है, दो है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और 8 है, और 9 है, इस तरीके से 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा यहीं पर 10 लिख देंगे, तो इसको बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए 1 का, 1 के लिए क्या लिखेंगे, 1 देखिए
बोले हैं कि तीन बार लिखना है आपको, कोई भी तीन बार लिखना है। देखिए एक बार लिख दी फर्स्ट, एक एक के लिए एक आई, दो अभी हमको दो बनाना है, इसमें हम दो आई तो लिख ही सकते हैं, दो आई लिख दी है। तीन, इसमें हम ट्रिपल आई लिख सकते हैं, तीन। अभी यहाँ पर बोला गया तीन बार से ज्यादा ना लिखे, तीन बार से ज्यादा नहीं लिखे, चलो ठीक है नहीं लिखते हैं। तीन हो गया, हमें बनाना है चार, हमें बनाना है चार, तो क्या करेंगे सोचिए क्या करेंगे। चार अगर हमारा पांच में कम कर दें तो चार नहीं हो जाएगा, पांच में कम कर दें तो चार हो जाएगा। तो कम करने के लिए क्या कौन सा नियम है कि हम छोटी जो है छोटी वाली, देखिए ये छोटी है, बड़ी की अगर बड़ी आगे लिखेंगे, आगे मतलब इधर इधर आगे, तो छोटी अगर हम इसमें जो छोटी है, जैसे हमारा ये देखिए वी का पांच होता है, वी का कितना होता है पांच, तो बी का अगर हम इधर छोटी लिख देते हैं, छोटी आगे लिख देते हैं, इधर पहले छोटी आगे लिख देते हैं, तो देखिए क्या होगा, घट जाएगा। छोटी आगे लिख दिए तो यहाँ पर लिखे छोटी आगे लिखिए तो घट जाएगा, और बड़ी आगे लिखेंगे तो जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर बड़ी आगे लिखे हैं कैसे, देखिए ये आपका ये पांच है, पांच में ये एक कम है तो इसका मतलब ये चार हो गया, ये पांच है यहाँ पर देखिए, इसका पांच का ये हो गया पांच। पांच को हम इधर एक लिखे तो कम हो गया, छोटी को आगे लिख दिए तो कम हो गया, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम पांच है, पांच छ बनाना है, पांच और एक छ, फिर पांच और दो सात, फिर पांच और तीन आठ, फिर उसके बाद देखिए पांच के बाद अब यहाँ पर तीन बार से ज्यादा चार बार नहीं कर सकते, तो फिर ये दिक्कत हो गई, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, नौ के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं दस का तो हमारा है एक्स, दस का एक्स है तो हम दस का एक्स कर देंगे, और आगे इसमें से कोई भी जो जितना घटाना हो उसको आगे, जिसको घटाना हो उसको आगे लिखे, जोड़ना हो तो उसके पीछे लिखे, जोड़ना हो तो उसके पीछे। देखिए इसमें घटाएंगे तो हमारा नाइन का कितना हो जाएगा, एक घटा दिए इसमें, एक घटा दीजिए, दस में से घटा दीजिए नौ हो गया, दस में से घटा दिए नौ हो गया, ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं इलेवन का जैसे बनाते हैं, तो देखते हैं इलेवन में क्या होता है, वही सारा रूल काम करेगा आपको, इलेवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या है, यहाँ पर इलेवन करते हैं, ट्वेल्व करते हैं, थर्टीन करते हैं, फोर्टीन करते हैं, फिफ्टीन करते हैं, सिक्सटीन करते हैं, और यहाँ पर टेन का भी लिख देते हैं, टेन का एक्स हो जाएगा वहां पर लिखा ही गया है, 17 करते हैं, 18 करते हैं, 19 करते हैं, 20 करते हैं, 21 करते हैं, 22 करते हैं, 23 करते हैं, 24 करते हैं, इसी तरीके से हम करेंगे और आगे डायरेक्ट तोड़ तोड़ कर लेंगे। अभी इसको बनाना बता देते हैं, देखिए यहाँ पर 11 है, कितना है 11 है, तो 11 क्या करना है, 10 और 1 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे, 1 लिख देंगे 11 हो गया, ठीक, 10 1 11 हो गया, फिर आपका 10 2 12 हो गया, फिर 10 3 13 हो गया। अब देखिए 10 3 13 हो गया, तो 10 के बाद हमें तीन, ये तीन के बाद इसको रिपीट तो करना नहीं है, तीन के बाद तीन बार कोई लिख देते हैं उसको रिपीट कर लेंगे नहीं, तो तीन बार उसको रिपीट कर देंगे तो हम नहीं लिखेंगे, तो फिर आखिर में क्या लिखेंगे, तो हम 10 4 14 लिख देंगे, 4 है, फिर 10 5 लिख देंगे, 10 5 15 हो जाएगा, इसको आपको पता ही होगा कि इसको हम लिख सकते हैं, फिर 10 10 4 14 10 4 15 10 6 10 6 आप इसको 10 5 15 10 6 16 और 10 7 17 10 8 18 और 10 9 19 10 9 19 यहाँ पर देखिए 10 9 19 हो गया, तो 10 9 19 और 1 10 10 20 हो गया, ठीक है 10 और 20। अब ये 20 हो गया है, दो एक्स को हम 20 कह सकते हैं, यहाँ पर अभी एक्स दो बार लिखे हैं, तीन बार तो नहीं लिखे, तीन बार तक इसको भी हम पूरा कर सकते हैं, ये हमें पता है, फिर वही काम करेंगे जैसे उसमें हम पर आए थे, 10 10 20 और 1 21 10 10 20 और 1 21 हो गया, ठीक है 10 10 20 2 22 हो गया, 10 10 20 3 23 हो गया, 10 10 20 4 24 हो गया, यानी हमें 10 तक इसको बनाना सीखना है। अब हम तोड़ तोड़ कर कोई चीज बनाना सीखते हैं, कोई भी बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारा ले लेते हैं कोई, मान लीजिए 55 लिखेंगे, 45 कैसे बनाएंगे इसको, तोड़ करके बांट करके लिखे अपने भाई का, इसको हम अभी हम तोड़ तोड़ कर बताएंगे, आप जब बनाने लगे बहुत फास्ट तरीके से बनाएंगे। तो इसमें देखते हैं क्या है कि 45 है, कितना है 45 है, अब हम 45 को लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं देखते हैं, तो 45 को तोड़िए पहले, इसको हम तोड़
देखिए इस तरह लिख सकते हैं क्या, हम इस तरह लिख सकते हैं 40, 5, 45 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, बोलिए हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। और हमारा देखिए मान लीजिए 50 का कितना होता है, 50 का हमारा होता है कितना, एल होता है। अभी सोचिए कि 50 का एल होता है और हमें 40 लिखना हो, क्या लिखना हो, 40 लिखना है, तो बोलिए 50 का एल होता है, अगर इसमें से हम 10 आगे लिख देंगे तो घट जाएगा, मैंने बोला था छोटी को आगे लिख देंगे तो घट जाएगा, तो इसमें छोटी को अगर हम 10 लिख दें यानी एक्स आगे लिख दें तो ये 40 हो जाएगा। तो हमें पता चल गया हमें क्या बनाना है, मतलब 45 में हमें क्या लिखना है, ये चीज हमें पता चल गया है कि हम 45 में आखिर क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 40, ये हो गया 40, तो ये जब आपका 40 हो गया है तो 40 में कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है, 40 में आप केवल 5 और जोड़ दीजिए और आपका हो जाएगा। देखिए 40 का तो आपका हो गया कि एक्स एल 40 और ये 5 आपका 45, 5 कहाँ का, यहाँ का 5 जोड़ गया 45। तो इस तरीके से तोड़कर बनाना सीखेंगे, तोड़ करके देखिए और बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपका हो जाता है हमारा 67 हो गया, कितना हो गया 67, क्या इसको हम तोड़कर इस तरीके से लिख सकते हैं, बोलिए हाँ लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं, चलिए फिर इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम सोचिए 60 को कैसे लिखेंगे, 60 को तो सोचिए 60 को हम लिख सकते हैं कैसे, पहले अगर हम एक्स कर देंगे इस तरीके से और तोड़ लीजिए, 60 को थोड़ी इस तरीके से तोड़ सकते हैं, हमें पता है क्योंकि 50 के बाद सीधा 100 है, 50 के बाद सीधा 100 है, तो पहले 50 कर दीजिए, 50 + 10 60 हो गया, 60 + 10 7 इस तरीके से तो इसको तोड़ कर लिख सकते हैं, देखिए 50 + 10 7 = 67। तो हम 50 को हमें पता है कि 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 को एल लिखेंगे, 50 को एल लिखेंगे, ठीक। और अब 10 को अगर लिखना हो, किसको 10 को अगर लिखना हो तो 10 को हम लिखेंगे x के सहारे से, 10 को हम लिखेंगे x के सहारे से, तो 10 को हमने x के सहारे लिया। 7 लिखना है तो 7 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हमें उसके करीब के बेस को ढूंढना है, करीब के बेस को मतलब इनमें से ढूंढना है। देखिए हम एक 60 को क्या 60 डायरेक्ट लिखते ना लिख पाते, तो हम डायरेक्ट 60 नहीं लिखे, 60 के करीब पहले कौन सा था, 50 था, मतलब उसके पहले पहले वाला आधार हमारा 50 था, तो 50 में कितना जोड़ेंगे 60 होगा, तो 10 जोड़ेंगे 60 हो गया। उसी तरीके से 7 को भी हम तोड़कर इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 5 + 2 लिख सकते हैं, 5 + 2 लिख सकते हैं। अब देखिए पूरी तरीके से बनाते हैं, ये हो गया आपका 50 का एल, एक्स 10 का हो गया एक्स और 5 का हो गया आपका वी और 2 का हो गया आपका 2, तो इस तरीके से आपका 67 का बन गया, किसका बन गया 67 का बन गया। देख लीजिए आपका कोई गलत तो नहीं है, वैसे भी गलत हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये गलत नहीं है, ठीक है। अब हम बनाते हैं 70 को, देखिए 70 डायरेक्ट बनाते हैं, कितना 70, पहले हम 10, 40, 20, 50, 60, 70 इनको बनाना सीख लेते हैं, जैसे हमारा यहाँ था 40 बनाए थे, 30 बनाना था, 30 बनाएंगे तो क्या एक्स 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 का दिए 30 हो गया, ठीक है। 40 बनाना था, हमने बोला था 50 का एल होता है, एक्स घटा दिया 40 हो गया, 50 का बनाना था तो 50 का हमारा दिया ही गया है एल होता है, 60 का बनाना था तो 60 को हमने बोला था कि अगर हम एल में एक्स और जोड़ देते हैं तो हमारा 60 हो जाता है, 70 का बनाना है अभी हमारा, तो 70 यहाँ बनाने चल रहे हैं। 70 कैसे बनाएंगे इसको आप तोड़ कर लिख सकते हैं, 50 + 10 यानी 50 + 20 लिख सकते हैं ना, 50 + 20 लिख सकते हैं, 50 + 10 = 60 क्योंकि हमें बेस ढूंढ लेना, 20 का बेस यहाँ पर है नहीं, यानी 50 है और कौन सा है अपना 10 है, इसी में कोड में से आपको ढूंढना है, इसी कोड में से ढूंढना है हमेशा। देखिए 60 में 50 70 में क्या था 50 है, 50 के बाद हम कितना जोड़ेंगे, ये भी 70 होगा तो 10 जोड़ देंगे, फिर से 10 जोड़ देंगे तो हमारा 70 होगा। इस तरीके से हम 70 को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 50 का हो जाएगा एल, ठीक, और इसका 10 का हो जाएगा एक्स और फिर 10 का हो जाएगा एक्स, यानी कि 50 + 70 = 70 हो गया, ठीक है। 80 का बनाते हैं तो 80 का बना लेते हैं, 80 का कैसे बनाएंगे, 50 के बाद 10 जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे और + 10 जोड़ेंगे,
तीन बार तो एक्स लिख सकते हैं, 80 में हम तीन बार तो एक्स को यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते हैं, इसको देख बताइए क्या यूज कर सकते हैं कि नहीं, तीन बार यूज कर सकते हैं हमने बोला। देखिए 50 को हो गया एल, 10 को हो गया एक्स, फिर से 10 को हो गया एक्स, फिर से 10 को हो गया एक्स, तो 80 हो गया। 90 को बनाने की कोशिश करते हैं, बोलो 90, 90 पहुंचने वाले हैं किसके करीब, 10 ही तो कम है, 90 बेस 50 से दूर है कि 100 के करीब, 100 के करीब है ना, तो 100 को उठाइए, 100 को उठाइए, 100 को हमारा क्या था सी, मैंने बोला सी, सी में कितना घटा दे 90 हो जाए, 10 घटा दे, कितना घटा दे 10 घटा दे, तो सी में हम 10 घटा देते हैं 90 हो जाता है, और 100 का हमारा हो जाता है सी। वैसे शायद आप बनाना सीख गए होंगे, बड़ी बड़ी संख्याओं को भी बनाना सिखाते हैं, क्या बना सकते हैं देखने की कोशिश करिएगा, बना लीजिए, वैसे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, बस आपको बनाने की पूरी तरीके से कोशिश करना है। देखिए हम क्या करते हैं, और बड़ी गिनती को बनाते हैं, यहाँ पर तोड़ करके 100, 200, 300, 400 इसको बना लेते हैं। देखिए हमारा 200 है, कितना है 200 है, और 200 को कैसे लिखेंगे आपको पता ही है, 200 को कैसे लिखेंगे, ठीक है, 200, 200 किसके करीब, 200 को क्या कैसे लिखेंगे, हमें पता है कि इसको लिख सकते हैं 100 और प्लस 100, तो 200 हो जाएगा, 100 को हम लिखेंगे सी और फिर से 100 लिखेंगे सी, तो 200 को हो जाएगा सी एंड सी, सी सी 200 को हो जाएगा सी और सी, और 300 को हो जाएगा कितना, एक सी, दो सी, तीन सी, क्योंकि तीन बार तो लिख ही सकते हैं, तीन बार तो हमने लिख दिए, तीन बार लिख दिए। 400 को देखते हैं, तो 400 को कैसे लिखेंगे, 400 में दिक्कत अब हो रही है, 400 में कैसे दिक्कत है, 400 किसके करीब है, 100 के करीब है नहीं, 500 के करीब पहुंच गया ना, 500, चलो तो 500 लिख लेते हैं ना, 500 में कितना कम है, 100 कम है, तो 500 हमारा डी होता है, तो इसके आगे सी लगा दीजिए, सी डी हो गया 500, 400 हो गया, क्या हो गया 400 हो गया, सी डी हमारा कितना हो गया 400 हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से सी डी हम 400 को ले सकते हैं, और सीधा 500 पहुंचते हैं तो हमारा हो जाता है क्या डी। हमेशा कम करना हो, जितना कम करना हो उसको आगे लिख दीजिए, 600 यानी 600 पहुंचते हैं, जब 600 को हम लिखते हैं तो कितना हो जाता है, 600 में आपको पता होगा ये हो गया 500 और 100 और जोड़ दीजिए जो आपका हो गया 600, 700 लिखते हैं तो 700 में क्या हो गया, 7 हमारा ये हो गया 500, 5 एक 600, 6 एक 700, डी से डबल सी सी हो गया तो आपका हो गया 800, बोलिए कैसे लिखा जाएगा, अरे कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया 500, एक सी, दो सी, तीन सी, मतलब 100, 200, 300, 500, 800 टोटल, ठीक है, तो 800 के बाद 900 कैसे लिखेंगे, अरे यार 900 कैसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1000 के करीब पहुंच गए, 1000 में कितना कम कर दें, 1000 में बोलो, बोलो 1000 में 100 कम कर दो, 900 हो जाएगा, तो हमने 1000 को लिख लेते हैं, 1000 हमारा कौन सा एम आ गया, 1000 हमारा कितना आ गया एम आ गया, एम में क्या कम कर देना है हमारा, एम में क्या कर देना, सी को कम, क्योंकि 100 कम करेंगे तो 900 आपका सी एम हो गया, और 1000 का तो आपको पता ही पहले से एम होता है। इस तरीके से बीच की संख्याओं को आप आराम से लिख सकते हैं, बोलिए कैसे इस तरीके से लिखना है, देखिए भी हम लिखते हैं, चलो ट्राई करते हैं कैसे, इस तरीके से हमारा आ गया 675, कितना आ गया 675, अच्छा ठीक है 675 कैसे, तो पहले इसको तोड़ना सीखिए, ये 600 तोड़ेंगे तो 600, फिर प्लस आपका 75 को कैसे तोड़ेंगे, 70 और 5 75 ये तोड़ेंगे, अभी हमने इसमें सभी लिख दिया गया है, देखिए 600 को हमारा यहाँ पर 600 को मेरे बोला 600 कैसे बनेगा, अगर आप इसको याद है तब भी ठीक है, नहीं याद है 600 बनेगा 500 के बाद 100, मतलब 500 के बाद 100, 500 हमारा कितना हो जाएगा 500, बोलिए ये इसको तो याद ही है, 500 मतलब हो गया डी और 600 का मतलब डी सी हो गया, क्या हो गया डी सी हो गया, ठीक है। 70 कैसे बनेगा, 70 में बोलते हैं 50 में दो और जोड़ दीजिए, 50 में दो और जोड़ दीजिए, 50 में दो और जोड़ दीजिए, यानी एल एक्स एक्स होता है, 50 में दो और जोड़ दिए, उसके बाद 5 और जोड़ना है, 5 और जोड़ देना है, ठीक है 5 और जोड़ देना है, ठीक है 5 इसमें और जोड़ देते हैं, तो ए हमारा बी और आई, ये हमारा 5 पर 5 है, 6 जोड़ दिए 5 है हमारा, ये हो गया 600, ये 70 ये, और उसके बाद आपका ये आपका हो गया 675, और बड़ा अगर लिखना चाहते तो और बड़ा भी लिख सकते हैं, जैसे हमें छोटा भी लिख सकते हैं, 352 लिखना है, 300 को आप तोड़ के लिख सकते हैं, अभी हम इस तरह की तोड़ा 350 252, 300 का हमारा हो जाएगा कितना, ट्रिपल सी, और
50 का हो जाएगा हमारा, 50 का हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखा गया है वैसे भी एल होगा, और 52 50 52 तो आपका एल और वी हो जाएगा 50 52। दिक्कत नहीं, वही फिर से रिपीट होगा यहाँ पर। देखिए 10,000 के लिए आई आपका ये यूज हो जाएगा 10,000 के लिए, ये आपका ठीक है, फिर से आई, ये वाला आई नहीं, वो फिर से। उसके बाद आपका एक्स आपका यूज हो जाएगा किसके लिए, 1,00,000 के लिए, क्या 10,00,000 के लिए, ये 10,00,000 के लिए यूज हो गया। उसके बाद आपका फिर से एम यूज हो जाएगा किसके लिए, 10,000,000 के लिए, किसके लिए, 10,000,000 के लिए, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसने के लिए। तो ये आपका इनमें से अभी 9,000 हमारा लिखना था, तो 10,000 में वही हम 1,000 घटा देंगे, यानी एम को घटा देंगे तो आपका हो जाएगा। तो उसको मत बनाइए अभी आप, मतलब 1,000 तक बनाने की पूरी कोशिश करिए और उसके बाद बताएंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ तक बना लेंगे आप वैसे, शायद बनाना कुछ बनाएंगे तो बना लेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए सोच रहे हैं क्या बताएं इसको भी आगे आगे, मतलब रहने दीजिए ठीक है। तो यही था वीडियो, अगली अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो आप इसको पढ़ेंगे, हमेशा नियम याद करना है, अगर आपको जहाँ कहीं पहुंचना है किस मतलब कौन से बेस पर हम है उसी बेस को लेकर के पहले लिखेंगे, उसके बाद 1, 2, 3 का आपको पता ही है, 3 बार से ज्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए, कोई भी 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम के बाद 4 टाइम नहीं लिखना है, याद रखने की बात है। और अगर पहले लिख देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, और बाद में लिखेंगे तो कोई चीज प्लस हो जाएगा, छोटी अंकों को पहले लिखेंगे तो माइनस घट जाएगा और बड़ी को लिखेंगे तो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से काम करेंगे, बड़ी अब सोचिए बड़ी कैसे, बार बार बोल रहे हैं ये बी है, क्या है, बड़ी है, और इसको देखिए बड़ी आगे है तो इसका मतलब इसमें ये जुड़ेगा, ये एक जुड़ेगा, यानी 5 और 1 6 हो जाएगा। लेकिन यही चीज उलट कर लिख दे, देखिए छोटी को आगे लिख दे, बड़ी को पीछे लिख दे, अब ये इसमें घट जाएगा, ये आपस में घट जाएंगे, यानी कि 1 है ये 5 है 5 और 1 घटेंगे तो 4 होगा, यही बात हम कहने वाले थे। यहाँ पर देखिए ये बड़ी आगे है तो और ये पीछे है, ये 5 है और 1 है जुड़ जाएगा, और ये आगे है और ये पीछे है, छोटा की छोटी आगे आ गई और बड़ी पीछे आ गई, तो 5 और 4 1 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, यही हम बोलने वाले थे यहाँ इस रूम पर ठीक है। तो इतना वीडियो था, अगली वीडियो मिलेगी हमारे चैनल पर, आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा और लाइक शेयर हो सके कहीं अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन, वहां पर इसकी पीडीएफ, इसको हम ऐसे ही एजिटिव डाल देंगे, हम देख लीजिए वहां पर सभी की पीडीएफ वहां पर हम डालते रहते हैं। इंटर तक की हम फिजिक्स केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल चुके हैं, उसको भी देखिए, और न्यूमेरिकल हम पूरा 4-5 पार्ट तक हल करवा रहे हैं, यहाँ पर लाइव हल करवाते हैं एक एक करके सवाल को आपके सामने, कैसे पहलू को पुट किया जाएगा, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे काटा जाता है, सारी चीजें यहाँ पर बताते हैं। 5 पार्ट तक लगभग 4-5 पार्ट तक हो गए, पिछली वीडियो देख लीजिए, बाकी 6 पार्ट तक हम यहाँ से फिर स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो होगी, और स्पेलिंग को बनाना, अंग्रेजी के एक एक पॉइंट से बनाएंगे, कैसे साइलेंट अच्छा होता है, सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी ओके। लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज भी यहाँ पर देते रहते हैं, स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी होती है, मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की आप देख सकते हैं, चैनल पर जाकर के विजिट करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी है ओके। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ये ध्यान में रखिएगा, सपोर्ट प्लीज सपोर्ट करिए, आप वीडियो देते सपोर्ट करिए, चाहे जो भी चैनल वाला हो, कोई भी हो आप उसको सपोर्ट करिए, अच्छा लगता है सभी को ओके। चलते हैं, मैं संतोष कुमार पटेल लेते हैं विदा, अगले वीडियो फिर मिलेगी, नमस्कार, जय हिंद।